You're a superhero. सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, एवरीबॉडी फॉर अनदर वीडियो. स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे. मैं हूँ आपका दोस्त सलमान, आप देख रहे हो टेक ऑफ सलमान यूट्यूब चैनल. सो अभी जो लेटेस्ट चीज़ चल रही है अभी आप लोग अभी यहाँ पे वो है सिग्नल, जो एक व्हाट्सएप की तरह मैसेंजर ऐप है. और बहुत जन का यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिखाया जा रहा है कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी बहुत 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 जनों को पसंद नहीं आ रही है. जैसे कि मैं भी पकड़ लूँ, मुझे भी उसकी प्राइवेसी पॉलिसी एकदम पसंद नहीं है. क्योंकि व्हाट्सएप पे आपका मैसेज कोई दूसरा पढ़ रहा है या दूसरे के पास जा रहा है या वो अपना रीड कर सकता है, आपकी प्राइवेसी, आपका नंबर, आपका होल डिटेल्स दूसरे के पास जा रहा है. सो इसको लेके बहुत ही चर्चा हो रही है अपने हर जगह पे. सो व्हाट्सएप की प्राइवेसी से जब से ही प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया है सबको, तभी वहाँ पे ये सिग्नल वाला ऐप आके यहाँ पे खड़ा हुआ है. ये बहुत दिन पहले ही आया था, जैसे टेलीग्राम आने के कुछ साल बाद ही स्टार्ट हुआ, उसका मतलब पॉपुलैरिटी बाद में बढ़ा, वैसे सिग्नल का भी वैसा पॉपुलैरिटी बाद में बढ़ा. सो इसमें सबसे अच्छी बात मैं आप लोगों को क्या बता सकता हूँ कि ये सिग्नल ऐप प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर बहुत ही एक अच्छी चीज़ है जो व्हाट्सएप से भी ज़्यादा आप लोगों को प्राइवेसी प्रोटेक्शन दे रही है. और साथ में आप लोगों को यहाँ पे बोलूँ तो इसके कुछ फीचर्स इतने अच्छे हैं जो कि आप लोगों को व्हाट्सएप में नहीं मिलता है. और जैसे व्हाट्सएप है, आप लोगों को पता है, कोई व्हाट्सएप पे अगर रजिस्टर किया होगा तो उसको ही आप लोगों को मिलेगा व्हाट्सएप में. तो वैसे ही इसमें भी है, सिग्नल में आपका अगर दोस्त किसी ने अगर लॉगिन इन करके रजिस्टर करके फ़ोन नंबर से रजिस्टर किया है तो तभी आपको वो मिलेगा. लेकिन सिग्नल ऐप अच्छा क्यों है बता रहा हूँ, क्योंकि सिग्नल ऐप में प्राइवेसी पॉलिसी की तो अच्छी बात है, यहाँ पे डिसअपीयरिंग मैसेज जो है, जो मैसेज आप लोगों को व्हाट्सएप में मिल रहा है, अगर आप लोग चाहते हो किसी को मैसेज करो और 5 सेकेंड बाद वो डिलीट हो जाए, वो वाला यहाँ पे ऑप्शन है. जैसे कि व्हाट्सएप में वो 7 दिन बाद है, 7 दिन बाद आप लोगों को वो डिसअपीयरिंग मैसेज वाला ऑप्शन मतलब ऑटोमेटिकली मैसेज डिलीट कर देता है. लेकिन यहाँ पे 5 सेकेंड, कोई भी बंदा अगर आपका आप किसी को मैसेज किए और वो सीन होने के बाद उसने बंदे ने देखा, उसने रीड किया, रीड करे, तो आफ्टर 5 सेकेंड वो ऑटोमेटिक डिसअपीयर हो जाएगा, मतलब गायब, वैनिश हो जाएगा. सो बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स भी है. और बाकी ऑलमोस्ट मैं अपनी अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँ, क्लियर बात के, देखो भाई ये सब टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये सब ना क्लियर ही है. नॉर्मली आप लोग जैसे व्हाट्सएप में आप लोगों को मिलता है, वैसे व्हाट्सएप की तरह ही सब ज़्यादातर फीचर्स यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे. वही सिंपल वे आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए. वही सिंपल वे, नॉर्मली आप लोग ऐप को डाउनलोड करो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से एप्पल स्मार्टफोन में. इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे आप लोग उसको ऑन करो, इसके प्राइवेसी पॉलिसी जो है उसका एग्री करो. अग्री करने के बाद आप लोगों का यहाँ पे नंबर मांगेगा, अपना कंट्री चूज़ करो, नंबर दो, नंबर देने के बाद OTP आएगा. हाँ, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैंने भी ट्राई किया था और जैसे कि सिग्नल वालों ने ट्विटर हैंडल में बताया है कि उन लोगों को इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि इतने जन एक साथ इस ऐप के थ्रू आएंगे, ऐप में आएंगे, रजिस्टर करेंगे. ये व्हाट्सएप के लिए ही हुआ है, उसकी प्राइवेसी पॉलिसी के लिए हुआ है. तो इतने जन आ रहे हैं ना, तो उन लोग को वो लोग चलाए थे डेली बेसिस के ऊपर, लेकिन इतना प्रेशर आने के बाद उन लोग के सर्वर में उन लोग को भी प्रॉब्लम हो रहा है. तो मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, मैं 2-5 मिनट वेट किया, 10 मिनट वेट किया, उसके बाद आके मुझे वो मतलब वेरिफिकेशन वाला OTP वाला मैसेज आ रहा है, उसके बाद मैंने ऑन कर पाया. तो उसके लिए आप लोग टेंशन मतलब थोड़ा वेट करो या आधे घंटे बाद ट्राई करो, हो जाएगा. तो वैसे मेरा भी हो गया, तो मैंने वहाँ पे ऑन कर दिया. ऑन करने के बाद आप लोग देख सकते हो ये नॉर्मल सिंपल सा सेम टू सेम एज अ व्हाट्सएप आप लोग को वैसा ही मिलेगा, कुछ अलग चीज़ नहीं. आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी इसको चलाने में, मैं आप लोगों को डेफिनेटली बोल सकता हूँ. वही सेम फीचर्स आप लोगों को, टोटल पहले आपका ID का टोटल डिटेल्स मिलता है, अपना फोटो जो भी डिस्क्रिप्शन में देना है वो सब, प्राइवेसी पॉलिसी, स्क्रीन लॉक कर सकते हो, वही फीचर्स, वही सब, एक्स्ट्रा करके बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है. वो सेम फीचर्स आप लोगों को व्हाट्सएप का आप लोगों को सिग्नल में मिल रहा है, लेकिन प्राइवेसी पॉलिसी के साथ और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ. सो ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, आप लोग ट्राई कर सकते हो एटलीस्ट. क्या जाता है, अगर आपका प्राइवेसी सबसे अहम है तो आप लोग सिग्नल ज़रूर ट्राई करो. तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि इंस्टॉल करके आप लोग ट्राई करके देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा. आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो. नीचे लाल वाला बटन सब्सक्राइब कर दो और बाजू में बेल वाला आइकॉन दबा दो नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए. सो मैं मिलता हूँ फिर से आप लोगों के साथ और एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय.